गाइस, इट्स मी प्रे और आज हम पढ़ रहे हैं अर्ली मैनेजमेंट एग्जांपल्स। अच्छा, जब मैं नोट्स बना रही थी अपनी वेबसाइट पे, बाय द वे लिंक्ड होगी, तो मैंने रियलाइज किया कि हमने ये वाला टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं है। बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, आई नो, एंड आई विल बी ब्रिंगिंग देम, पर ये भी रहता था और इसके नोट्स आ गए हैं, तो आई थॉट व्हाई नॉट, लेट्स जस्ट डू इट। ओके, छोटा सा टॉपिक है, तीन चार चीज़ें हैं, जल्दी से कर लेंगे। बाय द वे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब। ओके, लेट्स गो। पहली चीज़ है इजिप्शियन पिरामिड्स एंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब जब हम मैनेजमेंट सोचते हैं, राइट, तो सबसे पहला साइन हमें मैनेजमेंट का मिलता है इन प्रोजेक्ट्स में। कैसे? देखो, ये बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट थे, इस पे हजारों लोगों ने काम किया और मुसलसल काफी दिनों तक काम किया, तो उनको मटेरियल्स भी चाहिए होंगे, उनके कोई ना कोई आपस में प्रॉब्लम्स भी हुए होंगे और बहुत सारी चीजें हुई होंगी जिसके लिए उन्हें कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए होगा जो अपर मैनेजमेंट में हो, राइट? उस बंदे के पास अथॉरिटी हो, वो सबसे काम कराए, वो सबसे चेक करे क्या हो रहा है, कितना हुआ है, अच्छा मसला है, क्या मसला है, और उनको मटेरियल दे। और ये सब काम किसी ने तो किया होगा, राइट? किसी के पास तो थोड़ी अथॉरिटी होगी, जिसको अब हम मैनेजर कहते हैं। मे बी वो तब मैनेजर नहीं कहलाता था, कोई और नाम होगा, लेकिन कोई तो होगा, राइट? तो दिस इज द प्लेस जहाँ पे हमें पहला साइन मिलता है मैनेजमेंट का, कि हाँ, मैनेजमेंट काफी पुरानी है, मैनेजर्स काफी टाइम से आ रहे हैं, भले ही हम उनको मैनेजर नहीं बुलाते, जॉब डिस्क्रिप्शन सेम है, उनका काम सेम है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिटी ऑफ वेनिस। अब मैनेजमेंट तो है ही पुरानी, ओके, काफी पुरानी, जैसे हमने देख ली। सिटी ऑफ वेनिस जो है वो एक मेजर इकोनॉमिक और ट्रेड सेंटर था 1400 का, और यहाँ पे काफी चीजें डेवलप्ड हुई भी थी, पुरानी बात हो रही है, राइट? अब वहाँ पे पहले पहले फॉर्म के बिजनेस एंटरप्राइजेस भी थे, ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, वहाँ पे ट्रेड वगैरह हो रही थी, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई कर रहा होगा, तो उसका बिजनेस होगा। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि वहाँ पे वॉरशिप्स की, जैसे आजकल कार की असेंबली लाइन होती है ना, कि एक जगह पे गेट लगेगा, एक जगह पे लाइट लगेगी, एक जगह पे स्टीयरिंग व्हील लगेगा, और वट एवर द प्रोसेस इज, असेंबली लाइन होती है, उसी तरह पहले इस टाइम पे वॉरशिप, कश्ती की, राइट, बड़ी सी की एक असेंबली लाइन सॉर्ट ऑफ बनी हुई थी। वहां पे वो हर स्टेप पे चीजें लगाते जाते थे और वो फ्लोट करती थी और लोग उस पे चीजें लगाते जाते थे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद हमें पता चला कि उन लोगों के पास वेयर हाउसेस थे, जहां पे वो चीजें रखते थे, स्टोर करते थे अपने प्रोडक्ट्स वगैरह। उनके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी थी, भले ही उसको वो नहीं कहा जाता था, पर थी, टू मैनेज द लेबर, राइट? और उनके पास अकाउंटिंग सिस्टम भी था कि पैसे कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। हमारी तरह नहीं होगा, जब हम ये नाम लेते हैं तो डोंट थिंक कि हाँ अभी जैसा है हमारे पास, नहीं, उस टाइम का होगा, मे बी पता नहीं कितना डेवलप था, लेकिन ये चीजें अवेलेबल थी। तो सिटी ऑफ वेनिस पे एट दैट टाइम मैनेजर्स थे और प्रोबेबली उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन वैसे ही थी जैसे आजकल हमारे पास है, क्योंकि आपने देखा उनके पास काफी सारे बिजनेसेस थे, असेंबली लाइंस हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, तो ये सब थे, तो मैनेजर्स तो लाजमन होंगे और वैसे ही होंगे जैसे आजकल हमारे पास हैं, राइट? उसके बाद आता है एडम स्मिथ एंड डिविजन ऑफ लेबर। ये है पुरानी चीज, लेकिन आज भी हम इसको देखते हैं। एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन एक चीज मैनेजमेंट के लिहाज से जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है
डिविजन ऑफ लेबर या जिसको जॉब स्पेशलाइजेशन भी कहा जाता है। जी हाँ, ये तो हमने आजकल भी देखी है। तो क्या है, उसने कहा कि जॉब्स को छोटे छोटे टुकड़ों में करना चाहिए, राइट। एक जॉब को हिस्सों में करना चाहिए और हर बंदा एक एक हिस्सा परफॉर्म करे। लेट्स से आप वाटर बॉटल बनाते हैं। पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग हैं, वो सब ही सारे फंक्शन कर रहे हैं वाटर बॉटल के। कैसे? बॉटल उठाई, में भी साफ की, पानी डाला, फिर ढक्कन दिया, फिर लेबल दिया और फिर रखा, राइट। हर इंसान ये सारे स्टेप करेगा और फिर आखिर में एक इंसान आएगा, सारी बॉटलें उठाएगा, पैक करेगा और भेज देगा। पर फिर एडम स्मिथ ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है अगर हम इसी टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दें। जैसे कि अब एक ही बंदा हो जो बॉटल्स उठाता जाए, साफ करता जाए और आगे भेजता जाए। आगे एक ही बंदा हो जो सब में पानी भर रहा है। उसके आगे एक ही बंदा हो जो सब पे ढक्कन लगा रहा है। उसके आगे एक ही बंदा हो जो लेबल्स लगा रहा है। तो अब ये क्या है? ये जॉब स्पेशलाइजेशन है। एडम स्मिथ का कहना था, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक तो हर इंसान अपने काम में महारत हासिल कर रहा है, एक्सपर्ट बन रहा है, तो उसकी स्किल्स, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है रिपीटेटिव टास्क करते हुए। और दूसरा, उसको जो ये एक काम से दूसरे काम की तरफ जाता था पहले, तो वो टाइम वेस्ट होता था, अब वो टाइम नहीं वेस्ट हो रहा। पहले बॉटल उठाई, फिर पानी डाला, फिर कैप रखा, तो ये एक्स्ट्रा टास्क हो रहे हैं और शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। तो ये टाइम डिविजन ऑफ लेबर की वजह से बच रहा है। तो इससे हमारे पास ज़्यादा बॉटल्स बनेंगी और टाइम भी हमारा बचेगा। तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा बॉटल्स बनेंगी, राइट। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट की उसने एक एग्जाम्पल दी। कौन सी? पिन इंडस्ट्री एग्जाम्पल। कहा जाता है कि पिन इंडस्ट्री में एक बंदा एक दिन में 10 पिन्स बनाता था। पर फिर एडम स्मिथ ने कहा कि डिविजन ऑफ लेबर करो। और अकॉर्डिंग टू हिम, एक दिन में अगर 10 लोग ये डिविजन ऑफ लेबर करें तो वो 48,000 पिन बना सकते हैं। पहले एक इंसान 10 बनाता था, यानी 10 इंसान 100 बनाएंगे, पर अब 48,000 बनाएंगे ड्यू टू डिविजन ऑफ लेबर। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। और ये कॉन्सेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने और ये अब भी चलता है। अब भी हर बिजनेस में, हर इंडस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। ओके, लास्ट थिंग है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ? मशीनों ने लोगों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। लोग हट गए, मशीनें आ गईं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन गईं। अब उन फैक्ट्रीज को चलाने के लिए कोई चाहिए, कोई चाहिए जो ये बताए कि कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए, जो ये भी देखे कि क्या पूरी चीज़ें, मटेरियल्स जो हमें चाहिए वो हैं कि नहीं, और कोई इंसान जो टास्क लोगों को दे सके और उनको बता सके कि कैसे काम करना है, देखभाल कर सके। तो वी नीड समवन। हु इज दैट समवन? यस, मैनेजर्स। तो अब जब ये पूरा काम छोटी छोटी जगहों से, घरों से, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पे आ रहा है, पूरी पूरी इंडस्ट्रीज बन रही हैं, तो लोगों को मैनेजिंग करने के लिए थोड़ी मदद चाहिए, राइट। अब कुछ हमारे पास प्रोटोकॉल होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए कि कैसे हम मैनेज करें इस टाइम में प्रॉपरली। एक मैनेजर जैसे हम उसे आज जानते हैं वैसे आया, और इसी टाइम के बाद मैनेजमेंट थ्योरीज आने लगी, जो काफ़ी सारी हम पढ़ चुके हैं। तो वो सब इस वक्त के बाद उनकी ज़रूरत महसूस हुई, तो वो उसके बाद आई। Okay, and that's it.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी. इफ लगी तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड शेयर. डोंट फॉरगेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी कुछ होता है, मेरा पर्सनल चैनल, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, लॉट्स ऑफ स्टफ, डू चेक इट. ओके.